सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे, तूने चाहा नहीं मैंने चाहा। जब देखो सोया रहता है, सोया रहता है ये। ओ जहीर, ओ निकोड़ मारो, उठ खड़े। हाय मां, क्या हुआ? जलजला? क्या? कोई जलजला नहीं आया, तूफान नहीं आया, मैं आई हूँ। ओह एमजी, अम्मा तुम भी किसी तूफान से कम नहीं हो। अच्छा ये बातें छोड़ और जल्दी से चप्पल पहनो और मेरे साथ निकल। किधर? आज तू चल, किधर इधर नहीं कर, जल्दी से निकल जल्दी। अब लड़कियों की तरह चप्पले पहनेगा। अम्मा बोलो तो सही, जा कहां रही हो? आई सैदू के घर। अम्मा तुम पागल पागल तो नहीं हो गई? अभी तो तलाक के कागजात देकर आए, अभी तो उसने साइन भी नहीं किए होंगे, इतनी जल्दी थोड़ी जाना बनता है हमारा। मैं तलाक के कागजात लेने नहीं जा रही, मैं अर्श को लेने जा रही हूँ। अर्श को? क्या मतलब? वो जाकर सैदू के घर मर गई है और कहती है वापिस नहीं आऊंगी, कान पकड़ के लेकर आऊंगी वापिस। कान बाद में पकड़ना, चलो तुम, मैं नहीं जाऊंगा। आ शराफत से चल मेरे साथ। मुझे मरने मरने का कोई शौक नहीं, चलो तुम चलो। तुझसे अच्छा तो मैं कोई कुत्ता पाल लेती, वो वफादार तो होता। अम्मा सेदू के घर तो कुत्ता भी जाने से डरेगा। अम्मा तुम्हें पता है वो कितना बड़ा बदमाश है? अगर हमने उसके घर घुस के उसकी बीवी के साथ जबरदस्ती की तो तुम्हें पता है वो हमारा क्या अंजाम करेगा? अम्मा अपने इस खूबसूरत इकलौते बेटे को क्यों मरवाना चाहती हो? तू बता, तू जा रही है कि नहीं? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, इनकार है, इनकार है। अल्लाह किन लोगों से पाला पड़ गया, कोई कम जर्फ है और कोई कम हिम्मत। अर्श तुझे तो मैं देख लूंगी। मैं तुम्हें वैसे बता देती हूँ, ये तलाक नामा है और इस पे तुमने साइन करवाने। किसके करवाने ये तो तुम समझ गई होगी, अपने बेटे को बोलो जल्द से जल्द करवा दे, वरना तुम जानती हो कि क्या होगा। अब इस तौहीन का बदला लेने का वक्त आ गया है। जी क्या मतलब? कुछ नहीं, क्या आप मुझसे एक वादा करेंगी? कैसा वादा? आप जानती हैं ना कि मुझ पर कितने जुल्म हुए हैं, क्या आप चाहती है मुझे और दुख मिले? नहीं बीबी, कसम ले लें बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप मुझसे वादा करें, आप सैदू को मुझे तलाक देने से रोकेंगी? Thank you.
फिर आ गया। ठीक है, मैं तो समझा तेरा इरादा बदल गया है, इसलिए तुमने अंदर बुला लिया। ठीक है, मैं चलता हूं। अम्मा रुक जा, ना मेरा इरादा बदला है ना दिल। मैंने तुझे घर में खाना खाने के लिए बुलाया था, अगर तेरी जगह कोई फकीर भी भूखा होता ना तो मैं उसे भी खाना खिला देती। क्या बोल रही है अम्मा, ना तेरे सैदू में और किसी फकीर में कोई फर्क ही नहीं है, कैसी बातें कर रही हूँ। फर्क है, बहुत फर्क है। किसी फकीर ने मेरी इज्जत को खाक में नहीं मिलाया, किसी फकीर ने मेरे सर को हमेशा के लिए शर्म से नहीं झुकाया। किसी फकीर ने मुझे थाने में नहीं पहुंचाया। माँ, तू अब तक नाराज है मुझसे, माफ नहीं किया मुझे, करेगी भी नहीं। मैं तुझसे पहले ही कह चुकी हूँ, तेरा जुर्म मामूली नहीं है जो मैं पल भर में माफ कर दूं। तुझे अपने किए का कफारा देना होगा। अच्छा अम्मा, ये बता कि तू चाहती क्या है, बोल। मैं चला जाऊं यहां से, बोल क्या चाहती। मैंने ये तो नहीं कहा कि तू चला जा, तू इसी घर में रहे, मगर मेरी एक शर्त है। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बोल। शर्त तो सुन ले, मुकरेगा तो नहीं। अरे तेरा सैदू कभी मुकरा है, लोगों की बात से नहीं मुकरता, तो तू तो फिर मेरी मां। बोल बोल क्या शर्त। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा। अच्छा, मैं तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, बोल क्या शर्त। अर्श, किसको आवाजें दे रही है अम्मा। बेटा बाहर आ जाओ। ये क्या, ये इधर क्या कर रही है अम्मा, ये क्या कर रही हो तुम। यही मेरी शर्त है। तू इसे किसी हाल में भी तलाक नहीं देगा। मत, तू ये चाहती है कि मैं इसको तलाक ना दूं? और इसको अपनी बीवी बना के रखूं, ये चाहती है तू? बीवी तो तू इसे कब का बना चुका है, वो भी जबरदस्ती। निकाह में तो तूने अपनी मनमानी कर ली, मगर तलाक देने में तुझे अपनी मनमानी हरगिज नहीं करने दूंगी। क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने, बोल। मेरी माँ को क्या पट्टी पढ़ाई है, जल्दी बोल, मुझे बता। पीछे हटकर बात कर। अम्मा मैं तुम्हें बता रहा हूं, तू कुछ नहीं जानती इसके बारे में, कुछ भी नहीं जानती। इसने मुझ पे कितने जुल्म करवाए सिर्फ तलाक लेने के लिए, और आज अगर ये यहां पे आई है तो सिर्फ तलाक लेने के लिए आई है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। चल छोड़ो मुझे, छोड़ दे इसे। अगर तो चल दे दू, छोड़ दे, इतना जुल्म मत कर। इसको मेरे साय से भी नफरत है, तू चाहती है कि इसको मैं अपने निकाह में रखूं? मैं भी यही चाहती हूं। क्या क्या बोला तुम? बहरे हो, सुनाई नहीं देता।
ये शर्त तुम्हारी माँ की नहीं मेरी है। कि तुम मुझे तलाक नहीं दोगे। इस बात की कसम तुमने अभी अपनी माँ के सर पे हाथ रख के खाई है। बहुत पक्की जबान के मालिक हो ना तुम, गैरों से किए हुए वादे से भी नहीं मुकरते। अपनी मां से किया हुआ वादा निभाओ। अम्मा ये देख, मेरे जुड़े हाथों की तरफ देख, मुझे इस मुश्किल में मत डालो। खुदा के लिए ऐसा मत कर। तू कुछ भी कहेगा ना मैं मानूंगा, कुछ भी बोल, लेकिन लेकिन ये शर्त हटा दे अम्मा, खुदा के लिए। जो कुछ मैं कहूंगी वो करेगा। तू बोल क्या चाहती है, तू अभी बोल, मैं करूंगा, बोल। तो फिर अपना वादा निभा बेटा। अपनी माँ को मायूस मत कर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी चाल चली। दांत तो देनी पड़ेगी, मगर एक बात याद रख, शेर को पिंजरे में बांधने से शेर बकरी नहीं होता, शेर शेर ही रहता। अब सैदू तेरा वो हशर करेगा, तू मेरे कदमों में गिरेगी और कहेगी कि मुझे तलाक दे। ये कौन सा तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? बीवी, एक बात याद रख, आज के बाद तू अगर इस मोहल्ले में नजर आए तो सैदू तेरे साथ वो करेगा, तो सारा पिछला भूल जाएगी। चल अम्मा। सैदू, इस मामले से दूर रहो। नहीं सैदू, मेरी बात सुन, छोड़ो मुझे। सैदू, सैदू, सैदू मेरी बात सुन। ये क्या किया तूने? एक जवान लड़की को तूने इतनी रात को घर से बाहर निकाल दिया। बस अम्मा बस। वो तेरी बीवी है। अम्मा, तूने अपने सर पे मेरा हाथ रखवा के कसम उठाई। मानता हूँ मैं बीवी है। चल, अब तू भी मेरे सर पे हाथ रख के कह, तू मेरे और इसके मामले में नहीं आएगी। अगर आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी मां। तुम्हें याद है
बचपन में मैं तुम और एन पकड़म पकड़ाई खेला करते थे। एन इतनी मोटी थी कि भागते भागते गिर जाती थी, और मैं सारा खेल कूद भूलकर उसकी तकलीफ दूर करने में लग जाती थी। Happy birthday to you. Happy birthday dear sister. Happy birthday to me. शुक्र, किसी को तो मेरा ख्याल है। क्या मतलब है? सबको तुम्हारा ख्याल होता है। अच्छा, आज ज्ञान के घर पे तुम्हारी जबरदस्त बर्थडे पार्टी है। मेरी जिंदगी पर बात होने का सदमा मुझसे ज्यादा ही नहीं हुआ। सैदू ने मुझसे जबरदस्ती निकाल की। क्या? न जाने क्यों वो इस गड्ढे में गिरती ही चली जा रही है। गड्ढे में इसलिए गिरी कि उसके कान पकड़ के निकालने वाला कोई नहीं था। मगर मैं तुम्हारी तरह बेहिस नहीं हूं। अर्श को इस तरह अपने खानदान की इज्जत बाजार में उछालने की इजाजत नहीं दूंगी।